है, टीचर्स की वेलफेयर का एक प्रोग्राम है। और नेशनल एजुकेशन फाउंडेशन वैसे भी फार फ्लंग एरियाज पे जहाँ पे गवर्नमेंट ऑपरेट नहीं कर सकती, हम लोग जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन और कम्युनिटी स्कूल्स के पायनियर्स में से हैं, हम लोगों ने 96 में जब नॉन फॉर्मल एजुकेशन या कम्युनिटी स्कूल्स का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता था, उस जमाने में हम लोगों ने कम्युनिटी स्कूल बनाए और काफ़ी ज़्यादा तादाद में बनाए। और हम लोगों का जो एरिया है वो आज़ाद कश्मीर है, इस्लामाबाद कैपिटल है और जी बी है और फाटा है। फाटा में उस जमाने में कोई जा नहीं सकता था, जिस जमाने में हमने 350 स्कूल नॉर्वेजियन गवर्नमेंट के फंड से हमने वहाँ पे कम्युनिटी स्कूल बनाए, जो अभी वो बड़े बड़े स्कूल बन चुके हुए हैं। कम्युनिटी की डोनेटेड बिल्डिंग्स हैं, कम्युनिटी के ही टीचर्स हैं और वहाँ से हज़ारों बच्चे जो है वो पढ़ के जा चुके हुए हैं। और इसी तरह आज़ाद कश्मीर में और इसी तरह इस्लामाबाद में हम लोग 96 से शुरू होकर आज तक 2023 तक कम्युनिटी एजुकेशन के लिए काम कर रहे हैं। और उसके अलावा हमारी और भी कुछ इनोवेटिव मुख्तलिफ मॉडल्स हम टेस्ट करते रहते हैं और काफ़ी हम लोगों ने काम किए। एजुकेशन वाचर का भी एक प्रोग्राम था जो वर्ल्ड बैंक का था, वो हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया और उसके बाद अभी बड़े स्केल पे पंजाब में वो चल रहा है। तो और अभी हमारा जो रिसेंट एक एक्सट्रीमली चैलेंजिंग इनिशिएटिव है वो है ट्रांसजेंडर एजुकेशन, क्योंकि ट्रांसजेंडर जो लोग हैं जिसको हम ख्वाजा सरा कम्युनिटी कहते हैं, वो भी आकर इस सोसाइटी का हिस्सा हैं और इंसान हैं। उनके लिए अभी हम लोगों ने इस्लामाबाद में 2 लर्निंग सेंटर शुरू किए हैं। और लर्निंग सेंटर हम उसको इसलिए कहते हैं कि उनको बेसिक लिटरेसी और न्यूमरेसी देने के बाद हम उनको स्किल एजुकेशन देना चाहते हैं ताकि वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाएं। ये तो हो गया NEF का बैकग्राउंड, लेकिन आज जो बच्चे हमारे साथ हैं यकीनन उन लोगों की और उनके वालदैन की बहुत बड़ी मेहनत उसमें शामिल है। हम लोगों को हम उनकी इस एफर्ट को कि वो मेरिट के ऊपर अपने अच्छे कैरियर में यूनिवर्सिटी में उनके दाखिले हुए और वो जैसा कि आपको पता है हमारे यहाँ मेडिकल और इंजीनियरिंग एजुकेशन कितना प्रोसेस कितना कम्पेटिटिव है, डेफिनेटली इसके पीछे उनके वालदैन और उन लोगों की बहुत मेहनत शामिल होगी। आज हम उनका जो एक्सीलेंस है और उनका जो एक मेहनत है उसका दिन सेलिब्रेट करें। मैं आपसे ये शेयर करना चाहती हूँ।